बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, नैलको के नंबर्स आने वाले हैं वायदा बाजार पर, इस पर हमारा फोकस है। और साथ ही अभी जस्ट आपने डिस्कस किया वित्त मंत्री की 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर, उसके अलावा जो अनाउंसमेंट्स होंगे उस पर भी हम नजर रखेंगे। कल वायदा बाजार की कंपनी IRCTC के नतीजे आने वाले हैं। हुडको पर फोकस कीजिए, 15,000 करोड़ के फंड जुटाने पर कल एक बोर्ड बैठक होने जारी है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक कल होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और HDFC AMC, HDFC बैंक, हैपीएस्ट माइंड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये तमाम शेयर एक्स डिविडेंड कल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 30 जून के दिन निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में बदलाव होते हुए दिखेंगे, तो इन चेंजेस पर फोकस रखना होगा। साथ ही आरती इंडस्ट्रीज पर नजर रखें, QIP के इश्यू प्राइस को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। इंडियन होटल्स एक बोर्ड बैठक करेंगे, बॉन्ड से 250 करोड़ तक जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है, तो इस बैठक में इस मामले पर पूंजी जुटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। टाटा स्टील की AGM भी बुधवार के दिन यानी 30 जून को होती हुई दिखेगी, और एक्स डिविडेंड HDFC लाइफ और वैभव ग्लोबल, ये दोनों शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे 30 जून को। तो ये तमाम ट्रिगर्स बुधवार तक के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो पावर मैक यहाँ पे कंपनी को कोल इंडिया की सब्सिडरी से माइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है। 9,294 करोड़ का ऑर्डर जो इस कंपनी को मिला, इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, करीब 8% के आसपास की तेजी काउंटर में देखने मिल रही है। गोल्डियम इंटरनेशनल, इस कंपनी को 40 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसके अलावा राइट्स, इस कंपनी को रेल मंत्रालय से करीब 750 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। तो काफी सारे ऑर्डर्स जो है काफी सारी कंपनियों को मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट आप इन कंपनियों के ऊपर देख भी रहे हैं। इसके अलावा TCS, खबर ये है कि कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ट्रेजरी ऑपरेशंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। आप देख रहे हैं कि लगातार काफी सारी ऑटो कंपनीज अपने दाम बढ़ा रही है। एस्कॉर्ट्स के लिए खबर आई है कि ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो बढ़ाने का ऐलान कंपनी ने किया है। 1 जुलाई से काफी सारी ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो ये कंपनी बढ़ाने वाली है। मॉडल के मुताबिक ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी। लगातार जो लागत में बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते इस कंपनी ने कदम उठाया है। इसके अलावा मारुति के लिए खबर आई है कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है उसका दायरा इस कंपनी ने 4 स्टेट्स में और बढ़ा दिया है। जयपुर, इंदौर, मैंगलोर और मैसूर में अब ये जो सर्विसेज है वो मिलेंगी। इमामी, खबर ये है कि हेलियोस लाइफस्टाइल में इस कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दिया है, 33.09% से बढ़ा के 45.96% अब कर लिया है। UPL कोजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि बायो सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो के लिए इस कंपनी ने एक नई कंपनी का अधिग्रहण गठन जो है वो कर दिया है। इसके अलावा NTPC, खबर ये है कि झाबुआ पावर के लिए इस कंपनी को रेजोल्यूशन प्लान जो दिया था इस कंपनी ने उससे लेनदारों की मंजूरी मिल चुकी है, और टांडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है उसमें उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। स्ट्राइड फार्मा के लिए खबर है कि EU से इस कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है वो मिल चुकी है। एक पांडुचेरी प्लांट के लिए ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है इस कंपनी को मिली है। और कुछ बल्क डील्स जो सुबह से हुई है, PNB में 70 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, भेल में 30 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, और मैक्स वेंचर्स यहाँ पे करीब 1.74 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं, 10% इक्विटी शेयर्स, और मैक्स इंडिया यहाँ पे 26.8 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। मैक्स इंडिया और मैक्स वेंचर्स दोनों में प्री ओपन में सौदे हुए हैं।